हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका योगेंद्र सर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, प्रोनाउन का हमने सारा वीडियो बना दिया है अलग अलग। ये प्रोनाउन का लास्ट वीडियो है जिसमें दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं, सब एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और ये आज वीडियो प्रोनाउन आज एंड हो रहा है, आज ये प्रोनाउन समाप्त हो रहा है। चलिए तो हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक टाइप ए भी है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का मतलब होता है, देखिए एक वर्ड होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है, एक वर्ड होता है एक्सक्लामेशन, उसी से बनता है एक्सक्लामेटरी। ठीक, एक्सक्लामेशन का मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय। ठीक, ऐसा प्रोनाउन जो विस्मय प्रकट करता है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसा प्रोनाउन जो विस्मय आश्चर्य को प्रकट करता है, ऐसा प्रोनाउन जो विस्मय आश्चर्य को प्रकट करता है, उसी को हम लोग एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। अब एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में हम लोग व्हाट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट का। ऐसे तो देखिए व्हाट के बहुत सारे रोल हैं, ऐसे देखा जाए तो व्हाट बहुत सारा काम करता है। अब ये चीज हमेशा याद रखिए कि किसी भी वर्ड का जो नामिनेशन होता है, नामकरण होता है, उस वर्ड के उस सेंटेंस में क्या फंक्शन है, उस फंक्शन के आधार पर नाम रखा जाता है। ऐसे नहीं कि किसी वर्ड को हमने कुछ भी बोल दिया, नहीं, कोई भी वर्ड है वो क्या काम कर रहा है, उसके फंक्शन के आधार पर हम लोग उसका नामकरण करते हैं। तो व्हाट अगर एक्सक्लामेशन व्यक्त करेगा तो वो एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। अब वो एक्सक्लामेटरी में प्रोनाउन भी हो सकता है, एक्सक्लामेटरी में एडजेक्टिव भी हो सकता है, और एक्सक्लामेटरी में वो एडवर्ब भी हो सकता है। अलग अलग नाम है। तो आज हमको एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन पढ़ना है। तो व्हाट का प्रयोग जब हम एक्सक्लामेशन प्रकट करने के लिए करेंगे तो वही व्हाट हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, अब जैसे देखिए लिखा है कि व्हाट सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब ये जैसे ये देखिए व्हाट लिखा है, इसके बगल में एक्सक्लामेशन का मार्क लगा हुआ, यही व्हाट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ देखिए लिखा व्हाट मोहन डाइड यस्टरडे, अब यहाँ व्हाट के बगल में एक्सक्लामेटरी का मार्क लगा है, यही व्हाट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। ठीक, अभी विस्मय कैसे बता रहा है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड हो, मान लीजिए कि वो पढ़ने में बहुत तेज हो, बहुत टैलेंटेड हो, ठीक, सबको उम्मीद हो कि वो बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा या टॉप करेगा, लेकिन अचानक रिजल्ट निकलता है और आपको पता चले कि वो फेल हो गया। तो जैसे ही आपको पता चलेगा, किसी ने बताया कि वो फेल हो गया, तुरंत आपके मुँह से निकल जाएगा क्या फेल हो गया। तो वहाँ पर जो क्या शब्द निकलता है वो हम प्रश्न नहीं करते हैं, वो हमारा आश्चर्य है। आप मतलब कि जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी हमने वो चीज़ सुन लिया, तो वो हो गया आश्चर्य। और वो उस समय जो हमारे मुंह से क्या शब्द निकलता है उसी आश्चर्य विस्मय को प्रकट करता है। तो वही वाला क्या और व्हाट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है मोहन, अभी मान लीजिए कल उसकी मुलाकात हुई, आपको शाम को मुलाकात हुई, ठीक, आपने उसके साथ अच्छे से खाया पिया, आज सुबह अचानक किसी ने बताया कि मोहन कल डेट कर गया। तो जैसे ही आप सुनेंगे तुरंत आपके मुंह से निकले क्या, मोहन डेट कर गया। तो वहाँ पे जो क्या निकलता है वो हमारा विस्मय है, हम पहले से नहीं सोचे थे, अचानक हम ऐसी न्यूज़ सुन लिए जिसकी हमको उम्मीद ही नहीं थी, और हमने सुन लिया हमारे मुंह से क्या शब्द निकल गया, वही क्या आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन देखिए व्हाट जब एक्सक्लामेशन का काम करेगा तो वही व्हाट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाएगा, और तब उस व्हाट के जस्ट बगल में एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा। अब व्हाट का देखिए बहुत अलग अलग काम है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर हम देखे लिख देते हैं जैसे कि एक वर्ड लिख देते हैं व्हाट आर यू डूइंग। ठीक, अब ये लिखा व्हाट आर यू डूइंग, अब यहाँ इसका हिंदी होगा कि इसका हिंदी होगा क्या, इसका भी हिंदी होगा क्या, ठीक, लेकिन एक्सक्लामेशन के साथ, किसके साथ, एक्सक्लामेशन के साथ, और इस व्हाट का भी हिंदी होगा क्या, लेकिन एक्सक्लामेशन के साथ नहीं, क्वेश्चन मार्क के साथ, किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है ना। इस व्हाट का भी हिंदी क्या होगा लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ, इस व्हाट का हिंदी होगा क्या लेकिन एक्सक्लामेशन मार्क के साथ,
इस व्हाट और इस व्हाट में यही डिफरेंस है। ये व्हाट एक्सक्लेमेशन है, ये क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे इसका हिंदी होगा कि तुम क्या कर रहे हो। आपसे अगर कोई कहे कि व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब सामने वाला आपसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है, पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ क्या शब्द मैंने यूज किया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जानकारी हासिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब कहा जा रहा है क्या मोहन कल मर गया, तो ये क्या आश्चर्य है, झटके से हमारे मुँह से निकल रहा है, क्या ये क्या झटके से निकलता है। तो ये हमारा प्रश्न नहीं है, हमने ऐसी न्यूज सुन लिया जिसकी हमको उम्मीद ही नहीं थी और अचानक हमारे मुंह से निकल गया क्या। तो ऐसी न्यूज जिसकी हमने उम्मीद नहीं किया था, वो जब हमने सुना तो हमारे मुंह से ये वर्ड निकल गया, ये एक्सक्लेमेशन है। ठीक, यहाँ हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या वो फेल, जब हम किसी ने हमको बताया कि वह फेल हो गई, तो हमारे मुंह से हमको पूरा मालूम था कि वही टॉप करने वाली है, लेकिन किसी कारणवश फेल हो गई। तो हमारे जैसे ही हमने सुना, हमको उम्मीद नहीं थी कि वो फेल होगी, लेकिन जैसे सुना हमको विस्मय आश्चर्य हुआ, तुरंत हमारे मुंह से निकला क्या फेल हो गई। तो वो क्या आश्चर्य में हमारे बनने के झटके में निकलता है। ठीक, वहाँ हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। क्या व्यक्त कर रहे हैं, आश्चर्य। तो यही वाला क्या मतलब व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा और तब एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस व्हाट में और इस व्हाट में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया। जब कह दिया जाए व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम जानकारी हासिल करना चाह रहे थे। ये वाला व्हाट प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, और ये वाला व्हाट एक्सक्लेमेशन व्यक्त कर रहा है। यही अंतर है, ये प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है, और ये एक्सक्लेमेशन व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी है। प्रोनाउन ये भी है, प्रोनाउन ये भी है, ये व्हाट प्रोनाउन है और ये व्हाट भी प्रोनाउन है। ये दोनों व्हाट एक्सक्लेमेशन व्यक्त कर रहे हैं इसलिए एक्सक्लेमेटरी हैं, और ये व्हाट प्रश्न कर रहा है इसलिए ये इंट्रोगेटिव है। यही दोनों में अंतर है। तो जब व्हाट का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, ठीक, तो वही व्हाट हमारा एक्सक्लेमेटरी, वही व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना, और जब व्हाट का प्रयोग हम लोग एक्सक्लेमेशन व्यक्त करने के लिए करेंगे तो वही व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए अभी। चलिए देखिए, कोई भी चीज़ ऐसा पढ़िए कि, या तो पढ़िए नहीं, अब पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि उसमें कुछ बचे नहीं, सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए ये लिखा है व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए लवली डॉग दिस इज। ठीक, ये भी व्हाट है, ये भी व्हाट है, ये भी व्हाट है। ठीक, ये इस व्हाट और इस व्हाट में अंतर है कि ये व्हाट इंट्रोगेटिव है, ठीक, इंट्रोगेटिव है, और ये व्हाट एक्सक्लेमेटरी है, प्रोनाउन ये भी है, प्रोनाउन ये भी है। ठीक, अब एक व्हाट ये भी लिखा है, ये जैसे ये व्हाट एक्सक्लेमेशन व्यक्त कर रहा है, कैसे पता चला कि एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है, उसी तरह से यहाँ भी एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है। तो ये व्हाट भी एक्सक्लेमेशन ही व्यक्त कर रहा है। ये व्हाट देखिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये व्हाट भी एक्सक्लेमेशन ही व्यक्त कर रहा है। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है। ये एक्सक्लेमेटरी तो है लेकिन प्रोनाउन नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी तो है लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, कुछ और है लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है। देखिए अगर कैसे जानेंगे कि व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, व्हाट के जस्ट बगल में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा तो समझ जाइए वो व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। यहाँ व्हाट एक्सक्लेमेटरी तो है लेकिन मार्क देखिए यहाँ पर लगा है, ठीक है ना। तो ये व्हाट एक्सक्लेमेटरी है लेकिन प्रोनाउन नहीं है, ये व्हाट भी एक्सक्लेमेटरी है, देखिए एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये व्हाट के बगल में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, ये व्हाट इंट्रोगेटिव है, प्रश्न कर रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, ये प्रोनाउन नहीं, एक्सक्लेमेटरी है, प्रोनाउन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी है, प्रोनाउन नहीं है, ये
ये एक्सक्लामेटरी है लेकिन प्रोनाउन है, ये एक्सक्लामेटरी है लेकिन प्रोनाउन है, कैसे पहचानेंगे? एक्सक्लामेशन मार्क से। ये व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो जब व्हाट का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जब व्हाट का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो वो व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है, और जब व्हाट का प्रयोग हम लोग एक्सक्लामेशन व्यक्त करने के लिए करते हैं तो वही व्हाट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन था प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, याद रखिए किसी भी चीज़ का नामकरण हम उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके आधार पे नाम हम रखते हैं। ठीक है ना, देखिए अगला है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। एक वर्ड होता है इंट्रोगेट, इंट्रोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना, ठीक है, पूछताछ करना, उसी से बनता है इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक। ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, ये इसकी पहचान है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, ध्यान से सुनिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका हिंदी हमेशा क से स्टार्ट होगा, कौन, किसे, किसका, किसकी, इस तरह से आएगा। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आता है, ये तीन पहचान है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, इसका हिंदी हमेशा क से शुरू होगा, इसके बाद हमेशा वर्ब आएगा। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखिए होता कौन कौन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है आपका हु, हु का मतलब कौन, देखिए क से हिंदी शुरू है, हुम, किसे, किसको, क से शुरू है, हुज, किसका, किसकी, देखिए क से शुरू है, पहला अक्षर देखिए क आएगा, विच, कौन सा, कौन सी, देखिए क आया है, व्हाट, क्या, ठीक है ना, ये हुआ। ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये देखिए बहुत काम करते हैं, इनका नाम हमेशा बदलता रहता है, ठीक है ना। तो हु, हुम, हुज, विच, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कब, जब ये प्रश्न पूछने का काम करेगा तब, जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब, जब इसका हिंदी क से निकलेगा तब, जब इसके बाद वर्ब आएगा तब, ये सब क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर ये तीनों लक्षण मिला, जो तीनों बताए हैं, ये तीनों लक्षण मिला 1, 2, 3, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर ये लक्षण मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है हु सब्जेक्टिव केस में होता है, जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और इसके बाद हमेशा जब सेंटेंस लिखेंगे तो हु के बाद वर्ब आएगा। ठीक, हुम ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है और ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। ये भी सब सेंटेंस के स्टार्ट में ही लिखे जाएंगे, इन सबके बाद वर्ब आएगा, सबके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। हुज ये पजेसिव केस में है, किस केस में है, पजेसिव केस में। विच कौन सा, कौन सी, देखिए कौन सा, कौन सी, ये सब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, इनके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। ठीक, इंट्रोगेटिव और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इंट्रोगेटिव केवल यही होते हैं, इंट्रोगेटिव देखिए और भी होते हैं। इंट्रोगेटिव हमारा व्हाई भी है, व्हाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, देखिए क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये भी इंट्रोगेटिव है। व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, सबका हिंदी क से शुरू हो रहा है, ये भी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव तो हैं लेकिन ये सब आपके प्रोनाउन नहीं हैं, इंट्रोगेटिव तो हैं लेकिन ये प्रोनाउन नहीं हैं। ठीक, और ये सब जो ऊपर बताए हैं ये इंट्रोगेटिव हैं लेकिन क्या हैं, प्रोनाउन है, क्या हैं, प्रोनाउन। ठीक, याद आया, तो फिर से सुनिए, ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का पहचान, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, इसका हिंदी हमेशा क से शुरू होगा, इसके बाद हमेशा वर्ब आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु सब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में, पजेसिव केस में, ठीक है। विच देखिए आपका सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, व्हाट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यूज किया जाता है,
ठीक, ये देखिए, और व्हाई वेयर व्हेन हाउ, याद रखिए व्हाई वेयर व्हेन हाउ इंट्रोगेटिव हैं लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, कुछ और हैं लेकिन प्रोनाउन नहीं है। ओके, चलिए देखिए लिखा है हु आर यू, अब ये हु सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, ठीक, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यू का मतलब होगा तुम, क्या होगा तुम, आर का मतलब होगा हो, हु का मतलब होगा कौन। तो देखिए ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, इसके बाद वर्ब आया है, इसका हिंदी क से आ रहा है, किससे आ रहा है क से, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हो क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। विच इज योर शर्ट, विच मतलब कौन सा, कौन सा चाहे कौन सी, इज माने है और योर माने तुम्हारी और शर्ट माने कमीज, ठीक। अब यहाँ विच सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, इसके बाद वर्ब आया है, इसका हिंदी क से निकल रहा है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तीनों लक्षण देखिए इसमें मैच कर रहा है और लास्ट में देखिए इंट्रोगेटिव का मार्क लगा। देखिए ये विच आपका इंट्रो सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, यहाँ एक सेंटेंस ही है, विच इज योर शर्ट, विच शर्ट इज योर्स, दोनों का हिंदी ये कही है, तुम्हारी कमीज कौन सी है। देखिए ये विच इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया, ये भी सेंटेंस के स्टार्ट में आया, इसका हिंदी कौन सी होगा, इसका भी हिंदी कौन सी होगा, ठीक, सब सेम है। अंतर क्या है कि इस विच के बाद वर्ब आया है लेकिन इस विच के बाद नाउन आ गया है, तो ये वाला विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, इंट्रोगेटिव है लेकिन प्रोनाउन नहीं है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब दोनों को एक बार वीडियो को बैक करके फिर से समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए ये व्हाट आर यू डूइंग सेंटेंस इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, इसमें ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कैसे, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक, सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, इसके बाद क्या लिखा है, वर्ब लिखा है, इसका हिंदी क्या होगा, क से शुरू होगा, सारा पहचान मिल गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ भी व्हाट लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, इसका हिंदी क से शुरू होगा, ठीक है ना, ठीक, तो जो काम ये कर वही काम कर रहा है। अंतर क्या है, इस व्हाट के बाद देखिए वर्ब आया है, इस व्हाट के बाद नाउन आ गया है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आता है, और ये व्हाट इंट्रोगेटिव तो है लेकिन प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होगा, जब इसके बाद वर्ब आएगा, अब वर्ब नहीं क्या आ गया है, नाउन आ गया है, ठीक है ना। तो ये व्हाट सेंटेंस सब सही है, बस मैं नाम बता रहा हूँ कि इस व्हाट और इस व्हाट में क्या अंतर है, ये व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये वाला व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद क्या चाहिए, वर्ब, देखिए वर्ब लिखा है इसलिए प्रोनाउन है, यहाँ वर्ब नहीं है इसलिए प्रोनाउन नहीं है। उसी तरह से ये इसको आप खुद समझिए, हुज इज दिस हर्स, है ना, हु प्रश्न पूछ रहा है, सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, इसके बाद वर्ब लिखा है, इसका हिंदी होगा किसका, ठीक, क से शुरू है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इस हुज और इस हुज में क्या अंतर है, ये भी प्रश्न कर रहा है, ये भी प्रश्न कर रहा है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में, ये भी स्टार्ट में है, ठीक, इसका हिंदी किसका होगा, इसका भी हिंदी किसका होगा, अंतर इसके बाद वर्ब दिया है, इसके बाद क्या दिया है, नाउन, बस यही अंतर है, ठीक है ना। तो ये इंट्रोगेटिव है लेकिन प्रोनाउन नहीं है, और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हमको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना है, ठीक। तो ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, इसके बाद वर्ब आएगा, इसका हिंदी क से निकलेगा, ठीक, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक टॉपिक और है, देखिए प्रोनाउन का ये लास्ट है, एक टाइप होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब होता है परस्पर सूचक, ठीक है, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन एक दूसरे से परस्पर आपस में एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, और ये केवल दो होता है, ईच अदर और वन अनदर, बस दो ही होता है। ईच अदर का मतलब दोनों का हिंदी ये कही होता है, ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने होते हैं, दो, कौन कौन, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की भी जोड़ सकते हैं, एक दूसरे की, ठीक, वन अनदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे या एक दूसरे की, बस
बस ये दो होते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, इसका यूज हम लोग केवल दो लोग के लिए करते हैं और इसका यूज हम लोग दो से अधिक के लिए करते हैं, बस यही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दोनों का हिंदी सेम होता है, बस प्रयोग में अंतर है। ईच अदर का प्रयोग वहीं होगा जहाँ दो लोग की बात होगी, वन अनदर का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ दो से अधिक लोग की बात होगी, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, मोहन एंड सोहन शुड हेल्प ईच अदर पब्लिक वन अनदर। अब दोनों में इसका लिखा है कि मोहन और सोहन को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो अब एक दूसरे की इंग्लिश या तो हम ये लिखें या तो ये, इसका भी मतलब एक दूसरे की होता है, इसका भी मतलब एक दूसरे की। अब हम लिखें कौन सा, देखें यहाँ कितने लोग हैं, दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है, कौन लोग हुए, दो लोग हुए, ठीक है। दो लोगों के लिए क्या लगेगा, ईच अदर, ये रॉन्ग हो गया, ठीक। यहाँ देखिए यू ही एंड आई तीन लोग हैं, एक एक तीन लोग हैं, ठीक। शुड हेल्प कराए कि तुम्हें उसको और मुझे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ एक दूसरे की अंग्रेजी या तो ये लिखें या तो ये लिखें, ठीक। अब यहाँ कौन लोग हैं, तीन, तीन लोगों के लिए क्या लगता है, वन अनदर, बस यही डिफरेंस है। तो ईच अदर का यूज दो लोगों के लिए और वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। अब स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, प्रोनाउन का लास्ट वीडियो है, अब सारा प्रोनाउन आपका ख़त्म, ठीक। अब आगे से किसी अगले वीडियो में फिर कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, अब पूरी डिटेल के साथ उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते एक एक पार्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। और आप लोग इसको मेहनत करिए, वीडियो को बार बार देखिए। देखिए एक बार देख करके, केवल एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, उसको बार बार देखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए, ओके। तो फिर आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए और फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।